सिर झंडा ले लो ना सिर। थैंक यू सिर। अरे सिर आपका पीछे का टायर पंचर है, यानी तो हवा कम है, देखो तो। सॉरी सिर, मेरे को पुलिस में मत लेके जाना, वरना लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहां मैं उससे भी बड़ा चोर बन के निकलूंगा। अच्छा तो क्या करूं फिर? करना क्या है साहब, बस दो लाफा मार दो और जाने दो। अगर घर में बीमार माँ और अंधी बहन ना होती तो अपन ये काम कभी नहीं करता साहब। प्लीज साहब जाने दो ना साहब, अच्छे फैमिली से फिर दोबारा कभी नहीं करेगा साहब, गॉड प्रॉमिस साहब। नाम क्या है तेरा? 212 नंबर ही नाम है अपना, ये पास वाली म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ता हूँ साहब। तो आप जान दो ना साहब, प्लीज साहब। आरती उतारूं तेरी? साले उस आदमी की जगह कोई और होता पकड़ के तेरे को अंदर कर देता, और ये साले सब भी अंदर जाते, एक पॉकेट भी नहीं मार सकता। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में धुलाई हो गई, अब तो अंतर चलता रहता है हर लाइन में सेट। उधर ये राग पट्टी देना तेरे को कौन सिखाया? मैं ना, मैं सिखाया? तू अपने बॉस पे ट्राई मारता। तेरी कैची जैसी जवान का एक ही इलाज। कैची रख दे। कैची लेके आ। जब्बार सेठ रहने दो ना, गलती हो गई उससे। तू हट। जब्बार भाई रहने दो ना, बच्चा है। बच्चा है, गूंगा बना के भीख मंगवाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कमाई करेगा। रेड्डी लेके जा इसे, साले को 2 दिन खाना मत देना। जब 2 दिन खाना नहीं मिला ना तो उसके बाद जवान भले ही फिसल जाए लेकिन साले के हाथ नहीं फिसलेंगे। कौन है? हीरा भाई तुम हो क्या? वरुण ब्रो वेरी सॉरी, पर गई तेरी रानी, गई तेरी रानी। कब से इसे चेस सिखा रहा हूँ, सीखता नहीं। चेस तो तुम बहुत अच्छा खेलता है केडी, पर एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे हाथ से भाग गया। मिस्टर बिलमोरिया भागा नहीं होगा, आई एम श्योर सर ने उसे जाने दिया होगा, राइट सर? और कोई चारा भी नहीं था, इतने छोटे बच्चे पे जेल का ठप्पा लगता तो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वैसे भी इस उम्र में जेल नहीं सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। खिड़ी सर, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। क्यों? कहते हैं कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली है। ऐसा किया है तुमने? नहीं सर, सुपर मॉडल मनदीप कोहली, किसी ने उसको छुरा मार दिया है। क्या जरूरत थी केडी कोई केस लेने की? पूरी दुनिया जानती है कि मनदीप और उसके बॉयफ्रेंड नीरज के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और ऊपर से इतने सारे सबूत मिले हैं कि क्या हुआ वरुण? दवे मनदीप की हाइट कितनी होगी?
5 फुट 7 इंच और नीरज की हाइट 5 फुट 10 इंच। अरे यार पूरी बात तो बताओ, लगता है केडी के साथ रहकर तुम्हारी आदत भी बुरी हो गई है आधी बात को गुल करने की। दवे पूरी बात यह है कि केडी सर ने केस लेकर सही किया है और मनदीप का कत्ल नीरज ने नहीं किया। और तुमने ये बात पर्दा नाप कर जान ली है? दवे सारी बातें तुम्हें केडी सर अदालत में समझाएंगे। योर ऑनर ये अखबार 10 दिसंबर 2011, 29 दिसंबर 2011 और 11 जनवरी 2012 के, जहां की पेज 3 की टॉप स्टोरी पर एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है और वो है विख्यात सुपर मॉडल मनदीप कोहली और उनके बॉयफ्रेंड नीरज महेंद्रू का वायलेंट ब्रेकअप। किस तरह एक विख्यात नाइट क्लब में उन दोनों के बीच नियली हाथापाई हुई, जहां पर नीरज ने उनको जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद 10 दिनों तक खामोशी, और फिर 21 जनवरी 2012 2:35 जब मनदीप अपने कंप्यूटर पर अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी, तभी नीरज ने उनके फ्लैट में उनकी परमिशन के बिना एंट्री ली। मनदीप कोहली के फ्लैट की इकलौती स्पेयर की है जो सिर्फ नीरज के पास थी। और उसके बाद नीरज उनकी बेडरूम की तरफ बढ़े कुछ ढूंढते हुए। जब मनदीप आगाह हुई तो वो भी अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी, जहां पर नीरज ऑलरेडी उनकी ताक में खड़े थे। नीरज, जहां पर नीरज ने मनदीप पर उन्हीं की किचन नाइफ से कातिलाना हमला किया और ये चाकू पुलिस को लिफ्ट की शाफ्ट में मिला। और इस चाकू पर योर ऑनर किसी के उंगलियों के निशान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर पाटिल, लेकिन नीरज के उस फ्लैट में होने के बहुत से निशान मौजूद। पहला, जब नीरज वहां से भागे तो गलती से उनका लाइटर कार्पेट पर गिर गया। दूसरा, मनदीप कोहली के फोन पर लास्ट रिसीव्ड कॉल नीरज महेंद्रू का था, जो कि हमको इन रिकॉर्ड से पता चलता है। और तीसरा, मनदीप कंप्यूटर पर अपने एक दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी, जहां पर उन्होंने लिखा था ही इज थ्रेटनिंग टू किल, अर्थात वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मिस देवयानी, जस्ट अ मोमेंट मिस्टर पाठक, एक सबूत बाकी। कैरी ऑन प्लीज। बिल्डिंग का लिफ्टमैन बाली, जिसने नीरज को कत्ल से 5 मिनट पहले मनदीप के 9th फ्लोर के फ्लैट में खुद छोड़ा। And I witness your honor. हो गया आपका? आप बोल लीजिए। हाँ धन्यवाद। ए मिस बोस, आपकी ये जो 4 दलील आपने कोर्ट के समक्ष रखी, आधी झूठ है आधी सच है, समझिए आप। नेवर माइंड, मैं समझाता हूँ। जी योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया की पहली दलील कि मेरे मुवक्किल नीरज मनदीप जी के फ्लैट में डुप्लीकेट चाबी से दाखिल हुए थे, यह सच है कि उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी इनके पास थी, लेकिन वो चाबी ये चाबी नहीं जो प्रोसिक्यूटर महोदया ने आपको बताया। वो चाबी मेरी जेब में है यार, ये रही जो पुलिस ने इनसे बरामद की। इनकी दूसरी दलील कि नीरज जी अपना लाइटर कत्ल के समय मनदीप जी के फ्लैट में भूल कर चले गए थे, यह सच है योर ऑनर कि वो लाइटर नीरज जी का ही है, लेकिन वो लाइटर इन्होंने 10 दिन पहले वहां गलती से छोड़ा था। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लाइटर वहां पर 10 दिन पहले गिरा था कत्ल के दिन? नहीं, क्योंकि मिस बोस, जब पुलिस ने यह लाइटर वहां से बरामद किया तो लाइटर के इर्द गिर्द कारपेट पर 6 इंच का पेट्रोल का दाग था। योर ऑनर, उस लाइटर में से बूंद बूंद करके पेट्रोल लीक हो रहा था, जिसके कारण यह दाग पड़ा।
पुलिस घटनास्थल पर हत्या के ठीक 2 घंटे बाद पहुंच गई थी और ये दाग यरोनी, इसे बूंद बूंद पेट्रोल से बनने में कई दिन लगे हैं। तो ये स्पष्ट है यरोनी कि नीरज जी वहां अपना लाइटर कई दिन पहले भूल कर गए थे। मिस्टर पाठक, जो नीरज जी ने मनदीप को थ्रेटनिंग फोन कॉल्स किए थे उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो धमकी ये बात सच है योर ऑनर कि नीरज ने मनदीप जी को धमकी दी थी, किंतु हत्या के दिन पर जब इन्होंने उन्हें धमकी दी थी तो वो फोन कॉल इन्होंने कोलाबा के एनजीओ से किया था, योर ऑनर 0222575877 से किया था। कोलाबा मनदीप जी के घर से योर ऑनर 50 मिनट की दूरी पर है। अब मिस बोस मुझे बताइए कि 50 मिनट की दूरी 10 मिनट में कोई कैसे तय कर सकता है, उड़कर तैर कर कैसे? Impossible, यार। और बिल्डिंग का लिफ्टमैन बाली? हाँ, दुर्भाग्यवश बाली जी का कथन पूरा का पूरा झूठा है। योर ऑनर, मैं बल्ली जी को गड़घरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ये यही साहब थे, हमने इनको लिफ्ट में 9th फ्लोर पर छोड़ा था। कौन से लिफ्ट में? अप्सरा टॉकीज में तो लिफ्ट है ही नहीं बल्ली जी। टॉकीज? हाँ, अप्सरा टॉकीज, वहीं जहाँ आप 403 की नौकरानी रोजी को लेकर गए थे पिक्चर देखने। आवारा आशिक कैसी थी, मजा आया? रोजी ने बताया आपको? हाँ साहब, उस दिन हम ड्यूटी छोड़ के फिल्म देखने गए थे, उस टाइम लिफ्ट में कोई नहीं था। सोसाइटी और पुलिस वालों को इसलिए झूठ बोला कि कहीं उन्हें सच पता ना चल जाए और हमारी नौकरी। धन्यवाद वाली जी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया के सारे दलीलों का दुखद निधन होने के बाद अब मैं केवल एक ही सबूत अदालत के समक्ष करना चाहूंगा। इस बात से पूरी तरह प्रमाणित हो जाएगा योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल नीरज ने मनदीप की हत्या नहीं की। योर ऑनर, मनदीप जी का मृत शरीर उनके बेडरूम के फर्श पे पाया गया और उसी बेडरूम के पर्दे पर 6 फुट 3 इंच की ऊंचाई पर तेल के निशान पाए गए। फोरेंसिक्स का कहना है कि ये आंवले के तेल के निशान है। आंवले का तेल जो सर में लगाया जाता है, और ये तेल योर ऑनर ना नीरज जी लगाते थे, ना मनदीप जी, और ना उनके घर में आने जाने वाले कोई भी व्यक्ति। इससे स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे का कद 6 फुट 3 इंच का था और हत्यारे ने अपने सर पर आंवले का तेल लगाया था, जिसके कारण उस पर्दे पर ये चिन्ह लगे। द डिफेंस रेस। वकीले सफाई की पेश की हुई तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत ये फैसला करती है कि मिस्टर नीरज महेंद्रू का मिस मनदीप कोहली के कत्ल में कोई हाथ नहीं। इसलिए यह अदालत मिस्टर नीरज महेंद्रू को बाइज्जत बरी करते हुए पुलिस को नए सिरे से इस केस की तफ्तीश करने का हुक्म देती है। The case is closed. Thank you, Kedi sir. Thanks for saving my life. Sir, ये मेरा कार्ड है। मैं और मेरी माँ एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फोन कीजिएगा। Definitely. आजादी मुबारक हो। Thank you. क्या कहा था मैंने दबे? केडी सर ने केस लेकर सही किया। बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट केस था। अबे चल। अरे 212 पहचाना मुझे? अदालत में क्यों लाए इसे? अगले केस की सुनवाई इसकी है साहब। क्यों? बदमाश फिर से किसी की जेब काटी? इस बार इसने जेब नहीं किसी का गला काटा है। मर्डर। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं। चल।
बिस्किट नहीं खाएगा तो परेशानियां दूर नहीं हो जाएंगी तेरी, समझा? चले खा। चलो बता क्या हुआ था। बकरा ढूंढ 212 वरना जब्बार सिर्फ अपने को हलाल कर देगा। सुबह से बुखार है यार, जबरदस्ती है क्या? नहीं करने का अपन को काम। देख बोल रहा हूँ मरेगा तू। हाँ ये भी कोई जीना है क्या ढोला? देख अपन टीचर दीदी के पास दवाई लेने जा रहे हैं, आता है क्या? नहीं नहीं तू जा, अपने को थोड़ा काम है, अपन देखो डायरेक्ट खोली पे मिलता है। अकेले रास्ते में कहीं मरवा गया तो? अबे जान अबे जा। तुझसे मिलने खोली पे आएगा। ढोलक? ढोलक खोली पे आए नहीं, अभी तक गायब है, पता नहीं कहाँ है। साहब आपने पहले भी एक चांस दिया था, इस बार भी बचा लो ना साहब, वरना ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहां मैं इससे भी बड़ा चोर बन के निकलेगा। मेरे को पुलिस में मत लेके जाना वरना लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहां मैं उससे भी बड़ा चोर बन के निकलूंगा। पता नहीं निकलूंगा भी या नहीं, नहीं तो अंदर ही बूढ़ा होके लुढ़क जाऊंगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, काम जे चोरा। बचाऊंगा तुझे लेकिन एक शर्त पर, तू प्रॉमिस कर कि आज के बाद चोरी नहीं करेगा, स्कूल जाएगा पढ़ेगा, प्रॉमिस। साहब और बिस्किट क्या? दो दिन से मार खा रहा हूँ, ये खा के थोड़ा मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। ये ले, पूरा तेरे लिए लाया था, भूख लगे तो खा लेना। रेडी, बच्चे कहाँ सारे? इसी डरबे में रखता था ना उन्हें, तुम लोगों का चोरी का स्कूल। नहीं नहीं साहब, कसम से साहब, जब्बार भाई और मेरा धंधा तो सिग्नल पर सिर्फ फल बेचने का है, छोकरे लोग तो बस यहीं पर। बेटा रेडी, फल बेचने का काम। जब्बार तो ऊपर गया, अब तेरी अंदर जाने की बारी है, तैयार हो जा। वरुण क्या कर रहे हो? फिर से इंच टेप? तेल, वही तेल, आमला। रेडी, तुम्हारी हाइट कितनी है? सब कोई 6 फुट से ऊपर है। और तेल कौन सा लगाते हो तुम? जी आई मीन सर पे कौन सा तेल लगाते हो तुम? तेल नहीं साहब, मैं तेल नहीं लगाता हूँ। नहीं लगाते? और तुम्हारे अलावा यहाँ रहने वालों में से और कितने लोगों की हाइट 6 फुट से ऊपर है? मेरे अलावा तो नहीं, नहीं साहब, यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई भी 6 फुट से ऊपर नहीं। कोई भी नहीं? एक मिनट साहब, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं टेंशन नहीं ले रहे साहब, मैं अभी 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 आता हूँ। वरुण तुम अब ये मत कहना कि सुपर मॉडल मनदीप का कातिल यहाँ आया था इस खोली में। मैं नहीं कह रहा, सबूत कह रहा। केडी ने एक बार अदालत को गुमराह कर दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन बार बार ये तेल और कद की कहानी सुनाकर तुम मुजरिमों को बचा नहीं सकते। 212 ही खूनी, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इंस्पेक्टर दवे का दावा, दैट्स गुड। आओ ना, आता आता मैं। जी पावलेना, पुलिस के आगे कुछ बोलने का नहीं। जी अल, बोलेगा तो ये बोलेगा। जी अल, क्या 212 तुम्हारा असली नाम क्या है? जयच, 212। 12 साल पहले अपुन की माँ ने अपुन को 212 की बस स्टॉप पे रख के भाग गई थी, तभी से अपुन का नाम 212। कभी दूसरा नाम नहीं रखा? दूसरा नाम है ना चोर बदमाश, बहुत नाम। ऑर्डर ऑर्डर मिस बॉस,
नाम से केस का अंजाम नहीं बदल जाएगा। नाम को छोड़िए, अपनी पैरवी कीजिए। Your Honor, ये लड़का जितना सीधा और मासूम लगता है उतना ही संगीन इसका जुर्म है। ये एक पेशेवर जेब कतरा है जो जब्बार खान के फलों के धंधे में उसके यहाँ काम किया करता था। 26 जनवरी की शाम 4 बजे जब इसने अपने सेठ को अकेला पाया तो उसके पेट में छुरा घोंपा और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन इसके भागने से पहले मिस्टर जनार्दन रेड्डी, जो मिस्टर खान के बिजनेस एसोसिएट है, उन्होंने इसे पकड़ लिया। कत्ल की वजह? कैसा व्यवहार करता था जब्बार खान तुम्हारे साथ? व्यवहार बोले तो? मेरा मतलब कैसे कैसे पेश आता था तुम्हारे साथ? बहुत गलत। जब्बार सेठ मारते थे, कभी चप्पल से, कभी लकड़ी से, कभी गाली से, तो कभी हाथ से। सिर्फ मेरे को ही नहीं, बाकी लोगों को भी जो उनको फ्रूट बेचते थे। क्या मैडम, काय को गलत बोलती हो? जब्बार सेठ हम सबसे पाकिट मारी और चोरी कराते थे, और मैं उनको मारा नहीं। मैं तो रेड्डी भाई ने बेकार में आके मेरे को पकड़ दिया। साहब, मैंने तो वही कहा जो देखा। ये लड़का एकदम झूठ बोल रहा है साहब। हमारा कोई चोरी वोरी का धंधा नहीं है, हमारा तो फ्रूट बेचने का काम है साहब। उल्टा जब्बार भाई इसको कितनी बार चोरी करने से रोका, पर ये अभी पिछले दिन जब्बार भाई इसको नौकरी से निकाल दिया और उसका पैसा भी काट लिया। उसी का बदला लेने आया और भाई को मार डालो। उसका मतलब तुम वहां पर अपने पैसे लेने गए थे? क्या? नहीं तो? ए रेड्डी, झूठ क्यों बोलते हैं? ऑर्डर ऑर्डर। रेड्डी साहब, आपका कहना है कि आपने 212 को वहां रंगे हाथों पकड़ा? जी साहब। क्या आपने 212 को जब्बार पे चाकू चलाते हुए देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। योर ऑनर, फोरेंसिक्स के अनुसार जब्बार पर चाकू का वार बाएं से दाएं 30 डिग्री के एंगल पर किया गया था। ऐसा वार सिर्फ बाएं हाथ से किया जा सकता है। दाहिने हाथ से ये वार उल्टा हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? क्या ये वार सिर्फ एक लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति ही कर सकता है? एब्सोल्युटली योर ऑनर, ये वार किसी लेफ्ट हैंडेड इंसान ने किया है और 212 राइट हैंडेड है। मिस्टर पाठक जी, एक सेकंड, क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ देखिए। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई राइट हैंडेड आदमी इस तरह से अटैक नहीं कर सकता? जी, मेरे अनुसार तो नहीं कर सकता। Okay. और अगर मैं ये करूं तो? योर ऑनर, ऐसे ऐसे मैंने महिलाओं को नृत्य करते हुए देखा है, कभी किसी को इस प्रकार चाकू चलाते हुए नहीं देखा। मिस्टर पाठक, कौन सी रूल बुक में लिखा है कि चाकू को इस तरह नहीं चला सकते और वैसे चला सकते? जब्बार का कत्ल इसी लड़के ने किया है। एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर, जब्बार की हत्या मेरे मुवक्किल 212 ने नहीं की, किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका कद 6 फुट 3 इंच है और जो अपने सर में आंवले का तेल लगाता है। मिस्टर पाठक, मुझे लगता है कि आजकल आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि किसी और केस की दलील आप यहाँ पर दोहरा रहे हैं। आपने सुपर मॉडल मनदीप कोहली के मर्डर केस में भी यही बात की थी। हत्यारे का कद 6 फुट 3 इंच का था और हत्यारा ने अपने सर पर आंवले का तेल लगाया था, जिसके कारण उस पर्दे पर ये चिन्ह लगे। एग्जैक्टली, क्या बात है, आपके स्मरण शक्ति की मैं दाद देता हूँ। और इस केस में भी यही कहूंगा योर ऑनर, क्योंकि जब बार की हत्या जिस खोली में हुई थी, उस खोली के दीवार पर भी 6 फुट 2 इंच की ऊंचाई पर आंवले के तेल के निशान पाए गए। Serious, Mr. Pathak? Yes, I am. कहां एक सुपर मॉडल के अपमार्केट फ्लैट में मर्डर और कहां पर एक खोली में रहने वाले फ्रूट वेंडर का कत्ल और आपका ये आंवले का तेल? Your Honor, मुंबई शहर में मर्दों की औसत कद 5 फुट 3.5 इंच है, जिसमें से 4% मर्द, केवल 4% 6 फुट के ऊपर है, जिनमें से 0.5% मर्द 6 फुट 2 इंच के ऊपर है, जिनमें से केवल 10% अपने सर में तेल लगाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर, सरल शब्दों में, कि मुंबई में जितने मर्द हैं उनमें से केवल 0.05% में से है हमारा हत्यारा, जिसका अर्थ यह होता है कि दोनों अलग अलग जगहों पर
दो अलग अलग व्यक्ति होने के बजाय एक ही व्यक्ति के होने की संभावना अधिक है। साधारण गणित, मिस बोस। मिस्टर पाठक जी, आप अपने साधारण गणित की मदद से आप अपने इस 0.05 वाले व्यक्ति को ढूंढिए। तब तक मैं इस कोर्ट में आपकी हर दलील को 0.00 पर लाकर खड़ा कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपका ये 212 खुद अपने आप अपना जुर्म कबूलेगा। तुम्हारा एक दोस्त भी था ना तुम्हारे साथ, ढोलक, कहाँ है वो? पता नहीं, अब उनसे मिलने भी नहीं आया। और अब मिलने आएगा भी नहीं 212, क्योंकि ढोलक वो पैसे लेकर भाग चुका है। कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने जब्बार की अलमारी से मिलकर चोरी किया। ये पैसों की चोरी की क्या बात है मिस प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर, आज सुबह मिस्टर रेड्डी ने पुलिस स्टेशन में अपना नया बयान दिया कि जब्बार की अलमारी में 1.5 लाख रुपए और कुछ महंगी घड़ियां थी जो चोरी हो गई। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन के बाद हमें यह पता चला है कि वहां पर दो लड़कों के फिंगरप्रिंट्स मिले। एक फिंगरप्रिंट उस लड़के ढोलक का और एक फिंगरप्रिंट इनके क्लाइंट 212 का। योर ऑनर, मैं रेड्डी साहब से पूछना चाहूंगा कि अचानक आज इन्हें कैसे चोरी की याद आई, पहले क्यों नहीं? अब क्योंकि जब्बार भाई का अलमारी मैंने आज ही खोला। उसका मतलब तुम दोनों, यानी कि तुम और ढोलक, जब्बार की अलमारी से वो पैसे और वो महंगी घड़ियां चोरी करने गए थे। तुम चोरी कर रहे थे जब जब्बार कमरे के अंदर आया, उसने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। घबराहट में तुमने उसके पेट में छुरा घोंप दिया और वहां से ढोलक वो पैसे लेकर भाग गया। तुमने भागने की कोशिश की, तभी मिस्टर रेड्डी ने तुमको वहां पर रंगे हाथों पकड़ लिया। नहीं, ये झूठ है। चोरी तो अपन लोग ने एक दिन पहले ही की थी और किसी ने पकड़ा भी नहीं। Fantastic, 212, thank you so much. लेकिन अब तुम पकड़े गए क्योंकि तुम्हारे बिस्तर के नीचे जौनपुर की 2 ट्रेन टिकट्स पाई गई जो उसी रात की थी। मतलब तुम्हारा प्लान बहुत सॉलिड था, चोरी एंड मर्डर। प्रोसिक्यूटर साहब, if you don't mind, excuse me. देखो 212, जज साहब को सच सच बताओ, नहीं तो आगे चल के तुमको मुश्किल हो सकती है। बताओ सच क्या है? साहब, जब्बार सेठ हम सबसे चोरी कराता था और सारा माल खुद रख लेता था, इसलिए मैं और ढोलक उससे तंग आके एक आखिरी चोरी का प्लान किए। हमने सोचा कि सारा माल लेकर ढोलक के गांव जौनपुर भाग जाएंगे और उस रात तुम भागे क्यों नहीं? क्योंकि मुझे बुखार हो गया था और वैसे भी ट्रेन की टिकट अगले दिन की थी। कमाल है, ये दुनिया के पहले ऐसे चोर हैं जो चोरी करके एक पूरा दिन वहां पर आराम करते हैं कि हम अगली रात भागेंगे। What a stupid story this is. जब्बार खान का कत्ल इस लड़के ने किया। नहीं 212, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब्बार को ढोलक ने मारा और ढोलक तुम्हारा दोस्त है इसलिए उसे बचाने के लिए? लेकिन ढोलक तो वहां आया नहीं, वो कैसे मारेगा? तो उसका मतलब जब्बार का कत्ल तुमने किया है 212? प्लीज मिस बोस, मैं तो जब्बार सेठ को मरने से पहले पानी पिला रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदया के कहे अनुसार ढोलक और 212 जब्बार के यहाँ चोरी कर रहे थे जब जब्बार ने इन्हें पकड़ा, और अगर भागने की बात आती और भागते हुए उन्हें मारने की बात आती तो भला ये उन्हें पानी कैसे पिलाता? क्यों पिलाता? वहां पर कोई पानी का ग्लास बरामद नहीं हुआ। मिस्टर पाठक, इस लड़के ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर आपको जरूर गुमराह कर लिया, लेकिन इस कोर्ट की आंखों में वो धूल नहीं झोंक सकता। योर ऑनर, दिस बॉय इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर और इसे फॉरन रिमांड होम भेज देना चाहिए। मैं जो समझा रहा हूँ बात तेरे भेजे में घुस रही है या नहीं? तूने और ढोलक ने जब्बार के यहाँ जो चोरी की थी, पुलिस अदालत में कहेगी कि उसी चोरी के चलते तुम दोनों ने जब्बार का खून किया। समझ रहे? ये ढोलक के साथ बनती थी तेरी, मतलब विश्वास करता था उस पर, भरोसा करता था। साहब,
ढोलक तो अपुन के बड़े भाई जैसा सा था। इस दुनिया में हम ही थे एक दूसरे के लिए। अगर ऐसा है तो चोरी का माल लेके भाग क्यों गया? तुझे निर्दोष साबित करने के लिए पहले ढोलक को ढूंढना होगा। कहाँ गया वो? उसके गांव जौनपुर तो नहीं गया, यहाँ ही कहीं छुपा है। जी हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। मैं इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश भी कर रही थी, पर आप तो जानते हैं ना, जब्बार का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। जी मौली जी, 212 पर जब्बार के कत्ल का इल्जाम है और ढोलक फरार है। क्या वो आपसे मिलने आया था? जी नहीं, वैसे भी इन्हें कोई तकलीफ होती है तो ये मेरे पास ही आते हैं। मुझे टीचर दीदी कहते हैं। अपुन टीचर दीदी के पास दवाई लेने जा रहे हैं, आता है क्या? थैंक्स मैम, अगर ढोलक आपसे मिलने आए तो काइंडली गेट इन टच विद अस। जी मैं मिस्टर पाठक को फौरन बता दूंगी। 212 को बचाने में अगर मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। लड़का थोड़ा शैतान है पर बहुत मासूम भी है। थैंक यू सो मच। हाँ बाबूलाल, वो लड़का ढोलक जिसे मैंने तुम्हारे पास छुपाया है, उसे कहीं जाने मत देना जब तक मैं ना कहूँ, समझे? तेरी किस्मत अच्छी है वरुण, वरना तो उस किलर का तीसरा शिकार होता। चल पता कर गाड़ी का नंबर किसका है। सर आपको पक्का यकीन है कि सुपर मॉडल मंदीप और जब्बार का कातिल एक ही है? यकीन की मंजिल से पहले शक की सीढ़ियां होती है, और हाल फिलहाल मैं उन सीढ़ियों पर खड़ा हूं। यहां से आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब हमें ढोलक मिलेगा, या फिर वो 6 फुट का तेल लगाने वाला किलर। तेल तो इसने भी लगाया है। बोलो सर, ऑफिस के बाहर गाड़ी से कोई ये बैग फेंक कर गया है जिस पर आपका नाम लिखा है। संभालो केडी, बॉम्ब होएगा तो। She's got a point. सारे पैसे हेलो ये 10 है, 10 और तुम्हारे केस वापस लेने के बाद मिलेंगे। कौन बोल रही है? पहले मेरी सुनो, उस बच्चे को जेल जाने दो, केस खत्म करो वरना इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा कि संभाल नहीं पाओगे। केडी पाठक। मोहतरमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये बताया कि इस केस में कोई बड़ी बात है। दूजी बात, अब तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि ये केस मैं नहीं छोड़ूंगा। तीजी बात, ये जो रिश्वत भेजी है आपने मुझे 10 लाख रुपए, ये आप स्वयं लेने आएंगी मेरे दफ्तर या मैं आकर देकर जाऊं? हेलो हेलो, अजीब लोग हैं सर, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। लोग पहले पैसे देकर खरीदने की कोशिश करते हैं और अगर आप ना कहो तब गोली मारते हैं। यहाँ पहले गोली चलाई और अब यह रिश्वत दे रहे हैं। उल्टे धंधे करने वालों की नियत, फितरत और काम सब कुछ उल्टा होता है। हाँ, बिहार से 30, हैदराबाद से 13 और सतारा से 8, जोड़ कितने हुए? 51 ना। हाँ नहीं, ये झंडे मत भेज, अभी मामला गर्म है, रुक जा। लेकिन एडवांस में भी भेज रहा है ताकि माल रोक रहे। ठीक, चल रखता है। रेडी
ढोलक का पता चल गया है। क्या? अभी इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचे, तुझे उसे पहुंचाना है। शंकर, 212 किधर है? उसको तो जेल हो गई है जब्बार सेठ के मर्डर में। क्या? टेंशन मत ले, लेकिन वो मशहूर वकील है ना, केडी पाठक, बचा लेगा उसको। केडी पाठक? केडी सर, कार का नंबर ट्रेस हो गया है, किसी संदीप भट्ट के नाम पर है। जी हाँ, इंस्पेक्टर दवे को मैंने बोल दिया, लेकिन सर ढोलक के बारे में कुछ पता नहीं चला है। उसके सारे ठिकाने ट्राई कर लिए। ओके सर। ढोलक? केडी सर? नहीं, मैं वरुण, उनके असिस्टेंट हूँ। इतने दिन तक कहाँ थे तुम? बता दो, सब बता दो। ढोलक, अब बताओ इतने दिन तक कहाँ थे तुम? बता दो। बहुत बड़ी गेम है, 212 को फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? कैसे? कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आया था, किसी कोई मॉडल थी। हाँ, मनदीप कोहली, तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन जब्बार सेठ और उसके बीच में कनेक्शन है। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? क्या कनेक्शन? यही कि तो वरुण, जब ये लड़का तुम्हारे पास आया, उस समय तुम ऑफिस में अकेले थे? हाँ, मैं ऑफिस में अकेला था और ढोलक यहाँ बैठा था, और वहां से किसी ने उस पर गोली चलाई और भाग गया अपनी राइफल छोड़कर। ये कैसे हो सकता वरुण कि कोई खूनी खून करने के बाद अपना हथियार वहां से छोड़कर भाग गया, और ये बैग और ये पैसे? यार दवे, ये पूरी कहानी मैं तुझे बता चुका हूँ। एक मिनट, तू कहीं वरुण पे तो शक नहीं कर रहा? शक करना मेरा काम है केडी। अब तुम ही बताओ कि वरुण और ढोलक इस ऑफिस में अकेले थे, और इस राइफल से ढोलक का खून हुआ, और ये राइफल वरुण के हाथों में पाई गई है, तो मैं क्या समझूं? इंस्पेक्टर दवे, ये तुम क्या कह रहे हो? केडी साहब, अब वरुण, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, प्लीज। लेकिन केडी साहब, डोंट वरी वरुण, इसे अपनी ड्यूटी करने थे, जा। केडी साहब, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। क्या? ढोलक कह रहा था कि मनदीप और जब्बार की मौतों के बीच एक कनेक्शन था। कैसा कनेक्शन? सर, वो कुछ बताता, उससे पहले गोली चल गई। तवे, तू कहता ना शक करना तेरा काम है, एक और काम देता हूँ तुझे। एक गाड़ी में से किसी ने वरुण पर गोली चलाई थी। हाँ तवे, MH02AJ3959, किसी संजय भट्ट की गाड़ी है। कौन बात करने जाएगा उससे, तू या मैं पूछता हूँ। जा वरुण। केडी सब, आई टेक केयर ऑफ इट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.